मेरा नाम पूनम है और मेरी उम्र 30 साल है। माधुरी धवन, हम सिंधी में बात करते हैं। हम 7 लोग घर में रहते हैं और दादी बच्चों के पास लेते हैं और हम 2 मियाँ बीवी कमाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मिलर में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मिल्क में वो स्क्रैपिंग का काम करती। जो हमारे गाँव में लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी तो ये वजह थी कि हम पढ़ नहीं पाए। शौक़ तो हमें भी था पढ़ने का पर पढ़ नहीं पाए। गई फैक्ट्री वर्कर में हिस्सा लेने के मतलब ये था कि हमें अच्छा पढ़ ले और अच्छा बोल भी सके, इसलिए हमने ये हिस्सा लिया। कोर्स शुरू होने से पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। पहले जब हमें काम दिया जाता था ना, हमसे होता नहीं था। घर में जाते थे तो सोचते थे ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, फिर हम ना छोड़ देते थे थोड़ी देर के लिए कॉपी को। दूसरे दिन आते थे क्लास में तो हमें मिस इतना अच्छा सिखाती थी कि दूसरे दिन हम खुशी खुशी जाके कर लेते थे। तो अभी हम लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं। काम भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है। अगर हम यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं और सोचेंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। जब मैं पढ़ के आती थी ना तो लड़कियाँ सब मुझे देखती थी, तू यहाँ पे पढ़ती है, हमारा भी नाम लिखवा दो, हम भी पढ़ेंगे। और घर पे जाते, मैंने घर पे घर वालों को पड़ोसियों को भी बताया, यार तेरी जॉब तो बहुत अच्छी है, तू वहाँ पे पढ़ती भी है। सब यही सवाल करने लग गए। अब पढ़ी लिखे होने के बाद ये फ़र्क पड़ा है, बात बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अभी अपनी सुपरवाइज़र से भी बात अच्छे से करते हैं और कोई पूछता है हम उसकी जवाब दे भी आसानी से दे पाते हैं उर्दू में। और क्लास में भी हमें बहुत अच्छे, वो लड़कियाँ जो होती है ना वो पूछती रहती है तो हमें जवाब दे देते हैं, कुछ हिचकिचाते नहीं, आराम से दे देते। पहले तो हम सोचते थे कि क्या पूछा है, क्या बोलना है, क्या नहीं। अभी ये आराम से हो जाता है। टारगेट के बारे में बताती कि ना हमारे पीस उठाते थे कितने लिखे कितने नहीं, ये हमें नहीं पता चलता था। अभी हमें ये पता चलता है कि इतने पीस में इतने घंटा हो जाएगा और आराम से वो हो जाते हैं। टारगेट लिखा हुआ होता है ना, वो हमें पता चल जाता है कितने हैं कितने नहीं हैं। मेरा इरादा बच्चों के बारे में तो ये है कि मैं अपने बच्चों को आगे बहुत तक पढ़ाऊँगी। और एक कहता है कि मैं पुलिस में जाऊँगा, दूसरा कहता है मैं डॉक्टर बनूँगा, और दूसरे छोटे हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं कि हम भी पढ़ना जाएंगे। लेकिन अभी हमें मेरे अंदर भी बहुत तब्दीली आई कि मैं अपने बच्चों को ऐसा टाइम देखा जो हमने नहीं देखा है।